नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। आगरा के बाहर में इंडियन गैस एजेंसी के मैनेजर से 1,90,000 की लूट की गई। बैग सवार दो युवकों ने नोटों से भरा बैग छीनकर फिरोजाबाद की सीमा की तरफ भाग निकले। दिन दिहाड़े हुई लूट की घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्री रामलला मंदिर के गर्भगृह की विधि विधान के साथ आधारशिला रखी और जिसके बाद उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय मंदिर होगा भारत का, साथ ही साथ एकता का प्रतीक भी होगा। बाराबंकी में पेड़ काटने के विवाद में लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पेड़ काटने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था। विवाद के बाद दबंगों ने लाठी डंडों से एक दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। पुलिस ने शिकायत करने जा रहे पीड़ित पक्ष पर दबंगों ने गोली चला दी। गोली लगने से एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई और वहीं नाबालिग बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। खबर देवरिया से, जहां रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र से पलिया गांव के पूर्व प्रधान आग्रह प्रसाद के पुत्र अनुराग कुमार ने ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर क्रिकेट में जिले का नाम रोशन करते हुए पूरे मंडल में अपना परचम लहराया। उसके बाद स्टेट लेवल में अपना दम दिखाया। देवरिया जिले के गौरी बाजार थाना अध्यक्ष की एक और सराहनीय पहल से लोगों के बीच चर्चाएं तेज हो गई हैं। ताजा मामला गौरी बाजार थाना क्षेत्र के बर्दगोनिया का है, जहां पर खापमार थाना क्षेत्र से बारात गौरी बाजार थाना क्षेत्र के बर्दगोनिया में आई थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तभी किसी बात को लेकर अचानक दोनों पक्षों में हाथापाई हुई और शादी टूट गई। फिर क्या किसी ने इसकी सूचना गौरी बाजार थानाध्यक्ष विपिन मलिक को दे दी। मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष ने दोनों पक्ष के बीच सुलह समझौता कराया। उसके बाद शादी पुलिस की मौजूदगी में रीति रिवाज के साथ धूमधाम से हुई। गोरखपुर आगामी 4 जून को राष्ट्रपति के गोरखपुर आगमन को लेकर गोरखपुर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिख रहा है। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जिला अस्पताल के रास्ते से होकर गीता प्रेस जाने का कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। उसी के मद्देनजर जिला अस्पताल में बनाए गए सेफ हाउस का निरीक्षण किया गया। माननीय महामहिम हमारे यहाँ 4 तारीख को आ रहे हैं, तो उसके लिए एक सेफ हाउस, चूँकि उनका रास्ता घोष कंपनी से होते हुए गीता प्रेस को जाएंगे, तो उनके लिए एक सेफ हाउस हमारे यहाँ जिला अस्पताल में बनेगा। तो उसी के चेकिंग के लिए जो उनका सबोर्डिनेट स्टाफ या जो हमारे पुलिस विभाग के लोग हैं, श्वान दस्ता जाए। गोरखपुर अपर पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशन में पुलिस उप महानिरीक्षक गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम अपराध उत्तर प्रदेश लखनऊ के पर्यवेक्षण में गोरखपुर में आवेदक मनोज कुमार पटेल पुत्र राम अशोक सिंह थाना पाउडर पोस्ट मीठाबेल थाना झंघा जनपद गोरखपुर से 2 मई 2022 को शिकायत प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया था, जिसमें उसने खाते से करीब करीब 3 लाख से ज्यादा ऑनलाइन धोखाधड़ी से धन निकासी कर ली गई थी, जिस पर साइबर क्राइम थाना गोरखपुर रेंज की टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन धोखाधड़ी से निकाली गई कुल राशि को वापस पीड़ित के खाते में डलवाया गया है। ये इंडियन आर्मी में पोस्टेड है, भटिंडा में इनकी पोस्टिंग है। ये आए थे हमारे यहाँ प्रार्थना पत्र लेकर कि इनका 3,49,000 रुपये कट गया है। उस टाइम ये काफ़ी टेंशन में थे, तो हमने कहा कि आप परेशान मत होइए, फिर हम इस पर कार्रवाई करेंगे। तो उसके बाद हमने जब इनका स्टेटमेंट देखा तो उसमें विंडो और रेजर पे के थ्रू पैसे गए हुए थे। फिर वहाँ से हम लोगों ने डिटेल्स उठाई और विंडो और रेजर पे को मेल किया। फिर वहाँ से क्विक रिस्पॉन्स हम लोगों को मिला और उसके बाद हम कल्प्रिट तक पहुँचे हैं। अभी इस पर इंक्वायरी चल रही है, फर्दर इंक्वायरी चल रही है, उसके बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं। सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय के बाहर बैठे दलाल और एजेंट को हटाने की हिदायत दी गई है, लेकिन अंदर बैठे प्राइवेट दलालों से पैसा वसूली का काम किया जाता है। आपको बता दें कि पूरा मामला हाथोसगेट क्षेत्र सिकंदराबाद रोड का है। जौनपुर में थाना लाइन बाजार पुलिस ने नकली एशियन पेंट बनाने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 535 खाली बाल्टी, 480 हैंडल, 514 ढक्कन और 512 एशियन नकली स्टिकर्स बरामद हुए हैं। कानपुर में ट्रक ने ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर मार दी। ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नारामऊ पुल के नीचे जा गिरा। चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तरबूजा बेचकर युवक घर लौट रहा था। बिल्हौर पुलिस मौके पर मौजूद बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। गाठी बलहाई गोविंदनगर मंडी रामदास चौबैयापाड़ा द्वारकाधीश नवनीत नगर बनखंडी भरतपुर गेट अर्जुनपुरा हनुमान टीला जगन्नाथपुरी गौघाट मनोहरपुरा बैरागपुरा राधानगर पतिनगर महाविद्या कॉलोनी कृष्णानगर प्रथम कृष्णानगर द्वितीय कोयला गली डैम्पियर नगर एवं जयसिंहपुरी आदि क्षेत्रों में शराब का सेवन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। देशी शराब के साथ अंग्रेजी शराब के साथ भांग 6 बियर 8 मॉडल शॉपें कुल 29 दुकानें बंद कर दी गई हैं। 1 जून से सभी दुकानें मथुरा में बंद की गई। में पवित्र घोषित 22 वार्डों में मद्य निषेध को
1 जून 2022 से लागू कर दिया गया है। मद निषेध लागू होने के कारण इस क्षेत्र की समस्त दुकानें बंद हो गई। नौकरी का झांसा देकर 1.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। जल विभाग में नौकरी दिलाने को लेकर महिला ने 1.5 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप लगाया है। महिला के पुत्र को 6 माह में नौकरी दिलाने का वादा किया गया था, ना तो नौकरी मिली और ना ही पैसे मिले हैं। पीड़ित महिला अधिकारियों से लगातार गुहार लगा रही है। प्रेस क्लब पीलीभीत की ओर से शुरू की गई शीतल जल सेवा 1 जून 2022 से ये सेवा शुरू की गई है। पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु ने स्वयं जल वितरित कर शीतल जल सेवा का शुभारंभ किया। संभल में नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली और डीसीएम गाड़ी की भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में करीब 20 लोग घायल हो गए, दो की हालत नाजुक बताई जा रही है। संभल पहुंची महिला आयोग की सदस्य राखी त्यागी। संभल में सबसे पहले जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। जिला अस्पताल के वार्ड में साफ सफाई की व्यवस्था देख अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन खराब होने को लेकर मरीजों ने महिला आयोग की सदस्यों को समस्या बताई है। जिला अस्पताल के वार्ड अस्पताल परिसर में गंदगी को देखकर महिला आयोग की सदस्य भड़क गई, स्वास्थ्य अधिकारियों को फटकार लगाई है। श्रावस्ती में सड़क किनारे खड़ी ट्रॉली में स्कूटी चालक घुस गया। हादसे में स्कूटी सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रॉली में घुसने से स्कूटी सवार व्यक्ति नीचे दब गया। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला, घायलों को अस्पताल में। श्रावस्ती के सीएससी गिलौला में 10 नियंत्रण पखवाड़ा महा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें सेव द चिल्ड्रन और स्वास्थ्य विभाग संयुक्त टीम द्वारा 10 नियंत्रण अभियान चलाया गया। गिलौला सीएससी अधीक्षक दीपक शुक्ला ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ। श्रावस्ती में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस प्रशासन का इन्हें डर नहीं है। जमीनी विवाद में दबंगों ने एक व्यक्ति के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हथियार के हमले से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। दबंगों ने घर से बाहर जा रहे व्यक्ति पर कुल्हाड़ी और अन्य धारदार हथियारों से हमला किया। पूरी तरीके से मारपीट में व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। परिजनों ने आनंद फानंद में अस्पताल पहुंचाया। कोतवाली भिंड क्षेत्र के भवानी नगर गांव की पूरी घटना। कलेक्ट्रेट की कक्ष संख्या 49 में लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने जनसुनवाई की है। समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी निराकरण भी सुनिश्चित कराया जाए। लखनऊ के दूर दराज से आए लोगों की समस्याओं को सुना, साथ ही कई समस्याओं का निस्तारण भी किया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अपने सरकारी आवास पर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए सम्मानित आगंतुकों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना, संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। थाना मंडी पुलिस से बड़ी कार्रवाई करते हुए हनी ट्रैप और एक्सटोंशन मनी वसूले वाले गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। ये गैंग पहले महिला को प्लांट करके अन्य व्यक्ति की अश्लील व्यवस्था में वीडियो बनाते थे और उसके बाद इस गैंग के अन्य सदस्य खुद को मीडिया कर्मी और सुजी टीम का मेंबर बताकर पीड़ित से मोटी रकम वसूलने का काम किया करते। दिनेशपुर के सीमा अंतर्गत छठ घाट के समीप से बहने वाली नदी से बदबू आने से लोग परेशान हैं। आपको बता दें कि छठ घाट के समीप रामबाग पुल के नीचे गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसके चलते नदी के अंदर से भयंकर बदबू फैल रही है। आसपास के लोगों के अलावा छठ घाट में पूजा अर्चना करने वाले लोग काफी परेशान हैं। गदरपुर के कंबोज धर्मशाला में 31 मई की देर शाम सिद्धू मूसेवाला के प्रशंसक इकट्ठा हुए। इस मौके पर श्रद्धांजलि देते हुए सामाजिक कार्यकर्ता रिजीत सिंह ने बताया कि सिद्धू मूसेवाला जिससे करोड़ों प्रशंसक हैं, उत्तराखंड में भी उसके लाखों प्रशंसक हैं, ये सभी गदरपुर में इकट्ठा हुए हैं और कांबोज धर्मशाला में मृतक की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखने के बाद उन्हें अपनी श्रद्धासुमन अर्पित। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी जी अपना पंजाबी वड्डा भरा ही, इन्हें बहुत तरक्की की ही, बहुत माड़ा होया ये यह गलत किसी रब किसी माँ के नाल करे, वे बेचारा कला ही अपने पूरे परिवार के जी गाने गुने तो चलो चलते रहेंगे, जो भी खटपटी एवं किसी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें तरक्की की ही सब तो वड्डी गलती वो आई सी। हरिद्वार के सिडको थाना क्षेत्र हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी से भी थी 25 मई की रात को आइकॉनिक काजल की 14 पेटी चोरी हो गई, जिसकी कीमत लगभग 51 लाख रुपए बताई जा रही है। कंपनी में हुई चोरी के बाद 30 मई को विक्रम सिंह पुत्र विजेंद्र सिंह हाल निवासी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी द्वारा सिडकुल थाने में तहरीर देकर चोरी की सूचना दी गई, जिसके बाद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। हिंदुस्तान लीवर की जो कंपनी है, ये आंखों का जो काजल होता है इसका जो प्रोडक्शन होता है, तो 22 तारीख को इनके यहाँ से इससे संबंधित काफ़ी भारी मात्रा में सामान चोरी हो गया था, जिसका बाजार मूल्य लगभग 50 लाख से अधिक का है। क्योंकि ये एक बड़ी घटना थी तो पुलिस इसमें तत्काल सक्रिय हुई, एसओजी को भी इसमें लगाया गया और इसमें कुछ अभियुक्त प्रकाश में आए, जिनमें से 4 अभियुक्तों को 31 तारीख को डेंसो चौक के पास से पकड़ लिया गया। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से, जहां यूपी उत्तराखंड सीमा पर 17 मील चौकी क्षेत्र के अंतर्गत पौलीगंज के पास ग्राम रघुलिया में अवैध रूप से मिट्टी खनन का कार्य धरने से चल रहा है, जहां खनन कारोबारी विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से प्रशासन की आंखों में धूल झोंकते हुए बेखौफ खनन करते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप तो ये भी लग रहा है कि कारोबारी प्रतिदिन लाखों का राजस्व का चूना सरकार को लगा रहे हैं। अभी मेरे को संज्ञान में आया मामला, मैं पटवारी को तुरंत वहाँ भेज रहा हूँ और SHO को भी भेजूंगा कि अगर यहाँ पर अवैध मिट्टी का खनन हो रहा है तुरंत इसमें कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वो कब्जे में लिए जाएंगे जो भी JCB या उनकी जो भी ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ चल रही हैं, और साथ में जुर्माने की कार्रवाई होगी। सर चार अवैध है तो वैसे भी अगर मेरे संज्ञान में तो अवैध है, मैं इसकी जाँच कर रहा हूँ,
और 2 फीट तक ये खोद सकते हैं, 4 फीट खोद रहे वो गलत है, उसकी नपाई होगी और जितना अतिरिक्त इनके द्वारा खनन किया जाए उसके जुर्माना लगेगा। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।